ये आज तस्वीर आपके सामने है। शिवराज सिंह जी आएंगे, घोषणा करें, 22,000 घोषणाएं करी हैं। आजकल तो उनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। जो झूठ बुलवाना बुलवा लो, जहां नदी भी ना हो वहां पुल की घोषणा कर देंगे ये आपको। ये शिवराज सिंह जी का 18 साल का रिकॉर्ड है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या, इसका जवाब दे दीजिए। महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट करी, शिवराज सिंह जी आपने यही दिया है? एक और बात बता दूं क्या दिया उन्होंने, उन्होंने घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज सिंह जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने चली, 15 महीने में 2.5 महीने गए आचार संहिता में, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती मैंने करी? सियुनी में 62,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ, हुआ यस? ये पहले किश्त में, पहले किश्त में 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का कर्जा तो छिंदवाड़ा में भी माफ नहीं हुआ, ये भी आपको बता दूं। कर्जा माफ किया, कौन सी गलती करी मैंने? मैंने 1,000 गौशाले बनाए, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया? अगर बिजली दी 100 यूनिट 100 रुपए में, कौन सा गुना किया मैंने? ये तो एक शुरुआत थी, क्योंकि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाने का मैं प्रयास कर रहा था। हमारे प्रदेश की ऐसी पहचान बने कि निवेश आए। आज यहां निवेश क्यों नहीं आता? आप नागपुर से जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं आते? वो नागपुर साइड क्यों जाते हैं? वो क्यों निवेश वहां लगाते हैं? क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं, क्योंकि आते हैं देखते हैं कि यहां तो अंदर घुसने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। निवेश विश्वास से आता है, निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की पहचान बने, ताकि यहां निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार का मौका मिले, आर्थिक गतिविधि बने। अगर एक उद्योग लगता है, आर्थिक गतिविधि बनती है, क्यों? कोई ट्रक चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, ये सब बातें साथ साथ होती है, पर कोई निवेश नहीं। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास की पहचान बने। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग होता लगाता है, वो मध्य प्रदेश नहीं आता। कितने दुख की बात है। हमारी सरकार रही थी, सौदा हुआ, हमारी सरकार नहीं रही। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है, मैंने कहा रख लेना, मौज करना, मैं सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करने वाला। ये तो शिवराज सिंह जी कर ले सौदा आपसे, जाओ ले लो पैसे, पर मैं एक पैसा नहीं देने वाला। मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी उनसे डबल दे सकता था, पर मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, ये मैंने तय किया था, कुर्सी जाती है तो जाए। और शिवराज सिंह जी आप घूमते हैं, इतने दौरे करते हैं, यहां भी आते हैं, आप इन नौजवानों की आवाज नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं चलते। आप हमारे किसान भाई जो खाद और बीज के लिए भटकते रहते हैं, जिनको साथ अन्याय मिलता है, जिनको सही मूल्य नहीं मिलता, इनकी आंसू आपको दिखता नहीं है, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। मुंह सही बात है ना, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। ये शिवराज सिंह जी को समझ जानी ये बात। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 17 नवंबर को जो आप बटन दबाएंगे,
वो बटन हमारे आनंद का नहीं होगा, आनंद का केवल बटन नहीं होगा, केवल कांग्रेस का बटन नहीं होगा। आप जो बटन दबाएंगे, याद रखिएगा ये बात, सबको समझा दीजिएगा, आप सिवनी जिले के भविष्य का बटन दबाएंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, मध्य प्रदेश की, अपने जिले की। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ तो दे देना। यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, और मेरी जिम्मेदारी है आप ये इतिहास बदलिए। जो सिवनी का इतिहास है आप बदलेंगे तो मैं भविष्य का इतिहास भी बदलूंगा, मैं बदलूंगा, ये आपके हाथ में है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 3 दिसंबर को गिनती होगी, उसके बाद हमारे सिवनी का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी कैंडिडेट, ये तो हमारा पुराना खिलाड़ी है, मैं हरबंस सिंह जी, जब भी मैं इनको मिलता हूँ, मुझे हरबंस सिंह जी, जो पता नहीं कितने साल पुराना, अभी हमारे बीच में नहीं रहे, मेरे लिए तो बड़ी दुख की बात थी, पर हमारा ये भी नौजवान उम्मीदवार है, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लूंगा, ये तो बहुत ही करीब जुड़ा हुआ है, हमारे गांव-गांव में से जुड़ा हुआ है। हमारे काकोरिया जी बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, हमारे भगत जी जो बालाघाट से चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी मुझे कान में कह रहे थे लाल माटी के बारे में कह दीजिए, आपको किस बात की चिंता है, जब मैं कह रहा हूं कि आप सच्चाई का साथ देना, मैं आपके भविष्य का साथ दूंगा। यहां के लाल माटी होए, आपका एग्रीकल्चरल कॉलेज होए, ये तो कृषि क्षेत्र है, और आपका अधिकार है कि एग्रीकल्चरल कॉलेज होए, ये आपका अधिकार है। आइएगा चुनाव के बाद और मेरा कुर्ता खींच के ये सब करवा के आइएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।